हमंगनी एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन हम आ गए हैं हमारी घूमर ट्यूटोरियल सीरीज में। ये आगे का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सब ने पहले के वीडियोस देखे होंगे, जो भी पुराने स्टेप्स मैंने सिखाए हैं वो प्रैक्टिस किए होंगे, एंड इसी के साथ हम स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं घूमर में। इनके साथ मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं घूमर वीडियोस बनाती हूँ, घूमर से रिलेटेड वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। इसके साथ ही साथ अब मेरे चैनल पे घूमर ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं, जहाँ पे मैं घूमर सिखा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में घूमर के कुछ और नए स्टेप्स, जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने किसी भी डांस फॉर्म में, किसी भी घूमर के सॉन्ग में या फिर म्यूजिक में। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप के साथ। नाउ कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ ही स्टेप्स परफॉर्म कीजिए तो आपके लिए सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप साथ में प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट घूमर स्टेप के साथ। नाउ इस स्टेप में हम हाथों को इस तरीके से करके और हमारे शोल्डर्स पे ला रहे हैं और साथ में हम टर्न भी कर रहे हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 मेरे हाथ पहले इस तरीके से गए, ठीक है। ये बहुत जगह मैंने इंक्लूड किया ये स्टेप, तो अब तक आपको ये हाथों की मूवमेंट्स बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। हाथ इस तरह से गए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे किया मैंने, एंड देन ये हाथ इस तरीके से घूम के यहाँ आ जाएंगे। मैं शोल्डर्स मूव नहीं कर रही हूँ इसमें, आप चाहें तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने बहुत सिंपल रखा है इस स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को। सो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगेन 1, 2, 3, 4। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ये स्टेप तो आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आपके हाथ यहाँ से जाएंगे, लाइक सीधा यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, आपके हाथ इस तरीके से जाएंगे बहुत ही फ्री फ्लोइंग। सो ये स्टेप इस तरह से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप बहुत हाथ ऊपर करना कंफर्टेबल नहीं है या पेन हो रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं या ये स्टेप आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इतना ऊपर ना करने के बजाय आप इसे यूं भी कर सकते हैं यहाँ पे अपने फेस के सामने, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा वो। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है थोड़ी वेरिएशंस के साथ। हाथों की मूवमेंट हमारी यही है, लेकिन हाथ अब ऊपर कंधे पर आने के बजाय हमारे यहाँ इस तरह कमर पे आएंगे, चारों उंगलियां जुड़ी हुई यहाँ पे टच होंगी और अंगूठा जो है वो साइड में होगा यहाँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उस लेवल के लिए, तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। सो ये टर्न लिया हमने और हाथ इस तरीके से धीरे धीरे, ये नहीं कि सीधा यहाँ से डायरेक्ट आ गए, स्टार्ट किया हाथ धीरे 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 नीचे आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं कमर पे। एक स्टेप ये हो गया, देन मैं यहीं से जहाँ पे ये खत्म हुआ यहीं से फिर से स्टार्ट किया, एंड देन हाथ धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। ये स्टेप म्यूजिक में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है। मैं एक बार ये दोनों स्टेप्स आपको करके दिखा रही हूँ, डिफरेंस देखिए, एक में हाथ ऊपर आएंगे एक में हाथ कमर पे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाथ घूमे और इस तरह घूमकर यहाँ पर आ गए कमर पे आ गए, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप देखते हैं हम। स्टार्टिंग यही है,
आपके हाथ शुरू इसी तरह से होंगे, लेकिन इस बार यूं घूम के और आपके हाथ क्रॉस में आ जाएंगे और इस तरीके से आएंगे। सो मैं ये स्टेप करके दिखाती हूँ। 1 2 यहाँ हो गया। सो 1 2 और मैंने ऐसे करके वापस हाथों को क्रॉस किया है। एक बार फिर से देखिए, ये स्टेप किया, ये कॉमन है, हम पहले भी यूज कर चुके हैं। सो ये स्टेप किया और अब मैं हाथों को यहाँ या यहाँ ले जाने के बजाय इस तरीके से लेके वापस इनको आपस में जोड़ रही हूँ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 जो टर्न लेते लेते मेरा हाथ यहाँ से घूमते हुए और इस कमर पर आ गए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार फिर से देखिए। स्टार्ट किया यहाँ से, सो यूं स्टार्ट किया, हाथ आए और क्रॉस हो गए, क्रॉस हो गए और उसके बाद में बस यहाँ से शुरू हुए ऐसे धीरे 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 हाथ नीचे आके मेरी कमर पे आ गए। यहाँ पे मेरा ये स्टेप एंड हो जाएगा एंड देन मैं वापस जाऊँ तो यहीं से वापस एक सेकेंड राउंड ले सकती हूँ। तो मैं ये स्टेप करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हाथ इस तरह से जा रहे हैं और हाथ यूं क्रॉस हो रहे हैं, देन हाथ यूं क्रॉस हो रहे हैं। आप चाहें आप इसे बहुत लंबा स्टेप नहीं बनाना चाहते, ये नहीं करना चाहते, तो आप सीधा यहाँ से भी ये स्टेप कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से लीजिए हाथों को, शोल्डर से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आप किसी भी वेरिएशन में स्टेप को कर सकते हैं। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हाथों की मूवमेंट यही है जिस तरह से होता है, अंदर बाहर अंदर बाहर, बट हाथ मेरे क्रॉस में है, एक के ऊपर एक है। तो ये स्टेप इस तरह से होगा। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, हवा में नहीं है, इस तरीके से अलग नहीं है, टच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जब मैं ऊपर हाथ हो रहे हैं तो मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, जब नीचे है तो मैं थोड़ी बेंड हो रही हूँ, मैं खड़े होके इस तरह से नहीं कर रही हूँ। अपने आप जब आप नीचे की तरफ कोई स्टेप करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी बेंड होके उस तरफ, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना है आपको, एक ग्रेसफुली थोड़ा सा बेंड होना है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। फिर से हम ये स्टेप एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। नाउ आज के पांचों स्टेप्स जो भी हमने सीखे हैं उसका रिवीजन मैं एक बार करवा देती हूँ आपको। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट स्टेप, सो इस तरीके से घूम के और यहाँ पे, देन टर्न और शोल्डर पे खत्म हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरीके से था। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड स्टेप में हम हाथ कंधे के बजाय कमर पे ला रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हाथ आप कितना चाहें उतना इसको मूवमेंट दे सकते हैं। लाइक मैं ये चाहूँ तो ये स्टेप सिर्फ यहाँ तक लाऊं, मैं चाहूँ तो हाथ इस तरह घुमा के लाऊं, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप ये स्टेप वैसे कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड स्टेप का रिवीजन। थर्ड स्टेप जो है इसी से मिलता जुलता था, बट इसमें हमें हाथ क्रॉस करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस स्टेप को मैंने आपको एक सेकेंड तरीके से सिखाया। अगर आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल शोल्डर से स्टार्ट कीजिए। 1
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ये था हमारा फोर्थ स्टेप. एंड लास्ट स्टेप आज का, वन टू थ्री फोर. ये बहुत सिंपल स्टेप है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. ये थे हमारे आज के पांच स्टेप्स. आई होप आपको समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट है स्टेप्स से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड ऑल्सो आई होप कि मेरी जो सीरीज़ चल रही है ये आपको पसंद आ रही होगी. पसंद आ रही है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा. शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी घूमर सीखने का मौका मिले. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए मुझसे इस सीरीज में. भंगड़ी एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.